टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बुलंदशहर पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि विधेयक बिल को लेकर कहा कि मोदी सरकार जो विधेयक लाई है वह किसानों के लिए कल्याणकारी है और मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष किसान विरोधी है, इसीलिए कृषि विधेयक का वह विरोध कर रहे हैं। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि जो किसान संगठन कृषि विधेयक का विरोध कर रहे हैं, उन्हें हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अनेक परियोजनाओं का आज शिलान्यास हुआ है, लोकार्पण हुआ है और बुलंदशहर के विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से संकल्पित है। वर्तमान में जो विकास योजनाएं चल रही हैं उनके अलावा भी जनपद की दृष्टि से जो हमारे माननीय विधायकगण, हमारे माननीय सांसद जी, हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री जी, हमारे यहाँ संगठन के सभी वरिष्ठ नेतागण जो प्रस्ताव देंगे उसको प्राथमिकता के आधार पूरा करने का काम किया जाएगा। और आज क्योंकि स्वर्गीय बीरेन्द्र सिंह सिरोही जी हमारे वरिष्ठ नेता थे, अब वो हमारे बीच में नहीं रहे, उनको विनम्र श्रद्धांजलि के रूप में एक सड़क का नामकरण के नाम से किया जा रहा है और क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक जी के नाम से एक हर्बल पार्क भी आज यहाँ पर बनाने का निर्णय लिया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम बुलंदशहर के अंदर जो बेसमय चुनाव आया है और एक दुखद हमारे नेता के निधन के कारण आया है, इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी मजबूती से लड़ेगी और जीतेगी। आप सबको मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ और उत्तर प्रदेश की जो 24 करोड़ जनता है उनको भरोसा देना चाहता हूँ, किसी गुंडे, अपराधी, माफिया, इस प्रकार के तत्व से कोई घबराए ना। हमारी सरकार का संकल्प है भयमुक्त समाज, भयमुक्त उत्तर प्रदेश और अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई, और जो कानून सम्मत बनता है वो किया जा रहा है, आगे भी किया जाएगा। और कोई इस प्रकार की घटना अगर हुई है तो उसका हम पता करेंगे और इस प्रकार के जो अपराधी हैं वो बचने नहीं पाएंगे। भ्रष्टाचार के समाज है, सरकार है, सिस्टम है, उसमें कोई गड़बड़ करेगा उसी के लिए सजा देने के लिए सरकार बैठी है। जो कोई गड़बड़ करेगा वो सजा के लिए तैयार रहे और अगर गड़बड़ी नहीं करेगा, अच्छे से सेवा करेगा, उसको सम्मानित भी करेंगे। यह मानता हूँ कि विपक्ष किसान विरोधी है। मैं किसान का बेटा हूँ और किसान के दर्द को मुझसे अच्छा कोई, मैं समझता हूँ कि समझ नहीं सकता, किसान ही समझ सकता। विपक्ष केवल उसकी दलाली बंद हो रही है, कमीशन खोरी बंद हो रही है, मोदी जी की सरकार बनने के बाद उनके सारे रास्ते भ्रष्टाचार के बंद हो रहे हैं, तो इससे ये तड़प जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं और उस बेचैनी के परिणाम में ही किसान विरोधी, इस कानून को बताने वाले स्वयं किसान विरोधी। किसान संगठन भी सड़कों पर हैं, जो किसान संगठन है किसी कारण से उनको किसी प्रकार से भ्रम है, तो उस भ्रम को हम दूर कर देंगे। हमारा जो ये विधेयक आया है वह किसानों के कल्याण के लिए, किसानों के विकास के लिए, मतलब मील का पत्थर है। सर, फिल्म सिटी बना रहे हैं सर। केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि कृषि विधेयक से कमीशन खोरी बंद होगी। वहीं आगामी विधानसभा पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा में होने वाले उपचुनावों पर बीजेपी मजबूती के साथ लड़ेगी और जीत कर सबके सामने आएगी। उन्होंने उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार, अपराधी और माफिया मुक्त बनाकर उत्तम प्रदेश बनाए जाने का दावा भी किया। डिप्टी सीएम ने दिवंगत पूर्व मंत्री बीरेंद्र सिंह सिरोही के नाम पर एक सड़क का नामकरण करने और विजय सिंह पथिक के नाम पर बुलंदशहर में हर्बल पार्क बनाए जाने की घोषणा भी की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बुलंदशहर में 89 करोड़ रुपए की विभिन्न 36 योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करने आए थे। आपको बता दें कि योगी सरकार बुलंदशहर के बॉक्सिंग प्लेयर सतीश यादव, भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा भुवनेश्वर कुमार और कनोइंग प्लेयर शांति स्वरूप के आवास तक सड़क बनाएगी। टाइम 24 न्यूज़ के लिए बुलंदशहर से शुभम शर्मा की रिपोर्ट।
चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।